डिनाई कर सकते हैं कि हम आई डोंट नो, बट लेकिन अगर आंसर को मैं ये इस करके इतना आपको बहुत ही पॉलाइटली और स्मूथली तरीके से आप उसको डिलीवर करेंगे तो एक अच्छा आपका एनर्जी अराउंड जाएगा. बाकी चीज़ें तो मैं और सर आपको बता ही चुके हैं तो जरूरत नहीं है. और मेरा मंत्र यही है पॉजिटिव रहो, बाकी चीज़ें खोज खोज ना रहे. अपनी प्रोफेशनल लाइफ अलग रखें, अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखें. अभी से आप अपना एक गोल तो सोच के रखे हुए लेकिन अपने ख्यालों में गुम ना रहे. आज में जिए फिर बाकी चीज़ें सेकेंडरी रखें. पहले अपना फ्यूचर, अपनी स्टडी इसको रखें तो चीज़ें बहुत अच्छी ईजली जाएंगी, है ना. थैंक यू. थैंक यू. आज आप लोग ने बहुत कुछ सीखा और एक चीज प्लस मैं आपको फाइनली करके कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूँ. हार्ड स्किल के पीछे आपने लगभग 15-20 साल दे दिए लेकिन आपकी तरक्की अगर रुक रही है तो उसका कारण है सॉफ्ट स्किल और कुछ ही नहीं. हम लोग कई बार सोचते हैं कि भाई हमारी तरक्की हुई नहीं, हमारे बाजू वाले फ्रेंड्स की तरक्की हो गई, हमने मोहल्ले में कई लोगों ने तरक्की कर ली. अगर आप उनके लाइफ को एनालाइज करें तो आप ये देखेंगे कि उनका कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, माइंडसेट सब कुछ आपसे बहुत बेहतर था. समय आए वो आगे निकल गए. आपका माइंडसेट ठीक नहीं था, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं था, आप नेगेटिव सोच को लेकर चलते थे. आप हमेशा गलत चीज़ों को ही ज़्यादा आपने फोकस किया, आपने सही चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, आप पिछड़ गए और